ऑडियो जंगल खबर हांडिया प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए समाजसेवी रामचंद्र यादव 14 साल से संघर्षरत हैं। उन्होंने प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए आजीवन संघर्ष करने का संकल्प लिया है। हांडिया तहसील के जगदीशपुर गांव निवासी समाजसेवी अधिवक्ता रामचंद्र यादव प्रयागराज में एम्स की स्थापना के 2007 से ही संघर्ष कर रहे हैं। एम्स की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समेत कई मंत्री और संबंधित विभागों में पत्र देकर एम्स की स्थापना की मांग कर चुके हैं। समाजसेवी का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, जिससे सर्वाधिक आबादी वाला जनपद प्रयागराज बन जाता है। यही भर नहीं, यहाँ पर कई सरकारी महत्वपूर्ण विभाग भी स्थापित हैं। लिहाजा जनहित के लिए प्रयागराज जनपद में एम्स की स्थापना बहुत ही जरूरी है। समाजसेवी का संकल्प है कि जब तक प्रयागराज में एम्स की स्थापना हो नहीं जाती, तब तक यह मुहिम जारी रहेगा। समाजसेवी आजीवन एम्स की स्थापना की मांग का संकल्प दोहराया है। आपका परिचय? मेरा नाम रामचंद्र हड़िया एडवोकेट, मैं जगदीशपुर तहसील हड़िया जनपद प्रयागराज का रहने वाला हूँ, और मैं प्रयागराज में 2007 से एम्स स्थापना की मुहिम चला रखा हूँ, जो एक वैश्विक मुद्दा है। वैश्विक मुद्दा मतलब यह है कि प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष जो माघ मेला, कुंभ मेला, महाकुंभ जो का आयोजन होता है, सदियों पुराना होता चला आ रहा है। इसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु, पर्यटक, कल्पवास करने के लिए लगभग महीनों के लिए यहाँ पर निवास करने के लिए पधारते हैं। उसके बावजूद भी प्रयागराज में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। प्रयागराज में एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय भी है, जहाँ पर माननीय न्यायाधीश, उनके परिवार और इस माननीय उच्च न्यायालय में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के माननीय विद्वान अधिवक्ता जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका परिवार भी यहाँ रहता है। इसके बावजूद भी प्रयागराज में एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का होना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यहाँ पर कोई अभी तक व्यवस्था हो नहीं पाई है, जबकि ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो मैं अभी बता रहा था आपको, प्रयागराज में जो कुंभ मेला महाकुंभ लगता है, ये सर्दियों के दिन में लगता है। सर्दियों में क्या है कि लोगों को जो है सर्दी की वजह से ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। अब तक आप कहाँ कहाँ मांग कर चुके हैं, किससे किससे मांग कर चुके हैं? मैं महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी से, WHO से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय हैं, DM को, CMO को, सबको पत्र लिख करके 2007 से लगातार मुहिम चलाता आ रहा हूँ। कोई जवाब मिला आपको? हाँ, अभी तक जो है पिछले 5 साल में यहाँ पे मैंने हड़िया के उपरधा में एक 900 बीघे की स्टैंड लैंड जमीन लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यहाँ पे उसका जो है पैमाइश हुआ था, नाप हुआ था, सब कुछ हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी पता चला कि जो यहाँ पे एम्स स्वीकृत हुआ है, भाजपा सरकार ने स्वीकृत किया था, वो योगी जी लेके चले गए गोरखपुर, यहाँ पे वो नहीं आ पाया, वंचित हो गया प्रयागराज, जबकि अति आवश्यक था। यहाँ पे विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं, हर साल पधारते हैं, लाखों करोड़ों में आते हैं। अमावस्या का दिन ऐसा होता है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये प्लेस होता है संगम तट, उसके बावजूद यहाँ पे उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है यहाँ पे। भविष्य में कैसी आपकी मांग रहेगी? ये मांग जब तक यहाँ पे प्रयागराज में एम्स की स्थापना नहीं हो जाती है, ये हम लोगों की मुहिम लगातार अनवरत जारी रहेगा। आप संस्था के माध्यम से? जी, हम संस्था के माध्यम से भी, व्यक्तिगत माध्यम से, अधिवक्ता बंधुओं के माध्यम से, सम्मानित ग्रामीण छात्रों और राजनैतिक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस मुहिम को चला रखे हैं। और कई बार जो है हस्ताक्षर अभियान, संगोष्ठी विश्वविद्यालय में, 2012 में मैंने जो एक संगोष्ठी आयोजन किया था निराला सभागार में, जिसके चीफ गेस्ट थे न्यायमूर्ति, माननीय न्यायमूर्ति सखाराम सिंह जी थे, जिसमें बसपा के, कांग्रेस के, भाजपा के, सपा के, सभी दल के नेताओं की स्थापना होनी चाहिए, उसके बावजूद भी अभी तक जो है सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। 2012 में अभी जो भाजपा के वर्तमान कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ जी हैं, वो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रयागराज में उन्होंने ये घोषणा किया था, जब प्रयागराज में केंद्र में या स्टेट में भाजपा की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे प्रयागराज में एम्स की स्थापना की जाएगी। किंतु केंद्र में और प्रदेश में भी आज जो है भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भी सब लोग इस अपने जो है मुहिम को जो है जो घोषणा किए थे बुला दिए हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2012 में भी भाजपा के कैबिनेट मंत्री माननीय अरुण जेटली जी, जो इसमें अधिवंगत हो चुके हैं, उसमें तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिख करके प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग किया था,
बकायदे कि ये प्रयागराज में एम्स की स्थापना होनी चाहिए। ठीक।